हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमिटी के फास्ट एग्री विजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। दोस्तों, एफटीआर सीरीज के अंतर्गत आज हम कवर करने वाले हैं रक्षा प्रौद्योगिकी एवं नाभिकीय प्रौद्योगिकी को। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें कुछ बेसिक प्रश्नों को हम लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें होंगे। तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 14 दिसंबर, 28 फरवरी, 20 अगस्त और 11 मई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे चार महत्वपूर्ण डेट है। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कोई बता सकती है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपका 14 दिसंबर को, ठीक है। दूसरा, 28 फरवरी क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद देखिए आपका 20 अगस्त, ये भी बहुत महत्वपूर्ण डेट है, अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा जानते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी कह सकते हैं उसे, नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। तो अक्षय ऊर्जा दिवस, अक्षय जिसका क्षय नहीं होता, फिर से रिन्यू हो जाती है, नवीनीकृत हो जाती है। तो ये क्या है, 20 अगस्त को ये डेट है। और उसके बाद 11 मई जो है, ये है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जा रहा है? आपका 11 मई को। और दोस्तों, ये 11 मई जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट इसलिए भी है क्योंकि जब हमने पोखरण 2 वर्ष 1998 में किया, ये 11 मई और 13 मई को ही किया था, जिसमें 5 महत्वपूर्ण परमाणु परीक्षण हमने किया था और वो पोखरण 2 काफी सफल रहा था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान ये हुआ था, ठीक है। तो ये 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका उत्तर तो आपको मिल ही गया है, डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए, दूसरा है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किन 2 देशों के सहयोग से विकसित की गई है? बहुत ही सरल प्रश्न है, जिसमें कि हम देखते हैं 2 महत्वपूर्ण देश, एक है क्या है, भारत, और दूसरा है आपका रूस। इन दोनों के सहयोग से भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो मस्कवा नदी है, ये दोनों के संयुक्त नाम से क्या बना है, ब्रह्मोस बना है। और ये जो है भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइल में से एक है। और ये मिसाइल कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। याद रखिएगा, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर होता है, जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या आप लंबी दूरी वाले मिसाइल जब भेजते हैं तब हम बैलिस्टिक मिसाइल यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट दूरी पे या मतलब मध्यम दूरी या कम दूरी के लिए करना है तो यहाँ क्रूज मिसाइल हम प्रयोग करते हैं। तो ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा। ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2 ये सब आ चुके हैं, ब्रह्मोस 3 भी अभी अंडर डेवलप है और उसके कुछ बेसिक टेस्टिंग भी वो सफल हो चुकी है। क्लियर हो गया? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, भारत जर्मनी, भारत फ्रांस, भारत और रूस। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, रक्षा क्षेत्र से संबंधित उत्पाद बनाने वाली कंपनियां एवं उनके मुख्यालय को सुमेलित करें। क्या क्या ऑप्शन, हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड गोवा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल भी उसे कहते हैं हैदराबाद, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम पे, विशाखापट्टनम पे इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। दूसरा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यस बेंगलुरु, ये सही मैच्ड है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल कहते हैं HAL, जो अभी न्यूज में भी रहा था विगत वर्षों में, ठीक है। तो इसका मुख्यालय भी कहां पे है, इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में है, हाल का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा वर्ड आ ही रहा है तो सीधा लॉजिक लगाइए, इसका गोवा में ही होगा, यस। तो ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी सतह से वायु, नाग एंटी टैंक मिसाइल है, पिनाका हल्का लड़ाकू विमान है, वायु युद्धक है। तो यहां पे देखिए, इसके अकॉर्डिंगली यहां पे सही उत्तर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
त्रिशूल, त्रिशूल का जो अटैक नेचर क्या होता है, अटैकिंग नेचर क्या होता है, ऐसे शंकर भगवान को मैं याद करने के लिए बोलता हूँ अक्सर इस प्रश्न में, जब भी त्रिशूल की बात आती है तो अटैकिंग नेचर लाइक सिमिलर होता है, ऐसे इस प्रकार होता है। तो यहां पे क्या है, सतह से वायु, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप सतह से खड़े होकर ही वायु में अटैक करते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो एक ट्रिक है जस्ट, तो ये क्या है, सतह से वायु वाला मिसाइल है। तो पहला तो मिसमैच है, यहां पे देखिए पृथ्वी, पृथ्वी देखिए सतह से वायु दिखा है, तो पृथ्वी की बात भी आती है, तो पृथ्वी मतलब आप समझिए सीधा धरातल। तो धरातल में क्या होता है, पृथ्वी में जैसे ही होता है तो हम सीधा उल्लेख करते हैं सतह से सतही हो गई, क्योंकि पृथ्वी का जैसे ही हम देखते हैं उल्लेख करते हैं तो ये आपको धरातल की बात याद आती है। तो इसमें भी ये क्या है, मिसमैच है। नाग, नाग क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है, याद रखिएगा यही इसका सही उत्तर है, सी, ठीक है। और पिनाका, पिनाका क्या है, एक्चुअली ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो विगत वर्ष पीएससी में पूछा जा चुका है, क्या है, रॉकेट लॉन्चर है मल्टी बैरल, ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया आज का इस प्रश्न का, सी, नाग इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली मिसाइल का नाम क्या है, भारत की पहली मिसाइल का नाम क्या, विक्रांत है, कावेरी है, अग्नि है या पृथ्वी है। दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 1983 में पहली बार आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम वर्ष 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। और बता दो दोस्तों कि ये जो प्रोग्राम था आईजीएमडीपी, इसके अंतर्गत जो है 5 महत्वपूर्ण मिसाइल बनाने की हमने कल्पना की, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, पटना से भी याद रख सकते हैं। इन 5 महत्वपूर्ण मिसाइल के विकास की नींव हमने वर्ष 1983 में डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रखी थी। इसके बाद हुआ क्या कि 1983 से प्रारंभ हुआ यह कार्यक्रम सबसे पहले पृथ्वी मिसाइल के लॉन्च के बाद से प्रारंभ होता है और इसे हम लॉन्च करते वर्ष 1988 में। तो पृथ्वी मिसाइल इसमें सबसे फर्स्ट है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी मिसाइल आईजीएमडीपी के अंतर्गत लॉन्च किया जाने वाला या विकास किया जाने वाला प्रथम ऐसा मिसाइल था। तो इसका उत्तर क्या होगा, पृथ्वी होगा। अग्नि मिसाइल इसके बाद आई, अग्नि की जो सीरीज की जो मिसाइल है, ठीक है, जो कौन सी मिसाइल है, वो है आपका ये जो देखते हैं वो बैलिस्टिक नेचर का मिसाइल है, कौन सा, अग्नि, ठीक है। तो यहाँ पे अग्नि भी उसमें बनाया गया था। कावेरी तो बेसिकली इंजन को बनाया जाता है, कावेरी इंजन भी बहुत जो है बहुत फेमस इंजन है, बनने वाला है जो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी आते रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो है उसके लिए एक काफी वृहद लेवल पर प्रयास किया जा रहा है कावेरी इंजन के लिए। विक्रांत जो है, एनएस विक्रांत जो है बेसिकली ये पनडुब्बी या सबमरीन से रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, डी, पृथ्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या है, भारत का प्रथम मानव रहित टैंक है, मंत्रा, अर्जुन, कर्ण और भीष्म। मंत्रा जो है एक मानव रहित टैंक है और जिसमें कि इसके 3 वर्जन है, एस, एम और एन। एस मतलब सर्विलांस से रिलेटेड है, यानी निगरानी से रिलेटेड ऐसा टैंक है, और किसी क्षेत्र में जब देखते हैं खनिज पदार्थों आदि चीजों से लेस वाले जो क्षेत्र होते हैं तो उसके लिए क्या है, आप मंत्रा मानव रहित जो टैंक है जो है मंत्रा का जो है एम सीरीज यूज किया जाता है। और ऐसे क्षेत्र जहां पे नाभिकीय पदार्थों या परमाणु जैसे ऐसे पदार्थों की उपस्थिति के कारण उस क्षेत्र में हम इसके एम सीरीज वाले टैंक को हम भेज सकते हैं, मानव रहित है तीनों, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए, मंत्रा सही उत्तर है। और ये सब भी क्या है, टैंक ही है, अर्जुन, कर्ण और भीष्म आदि, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे, इंद्र क्या है, इंद्र क्या है, प्रक्षेपास्त्र है यानी मिसाइल है, मानव रहित अभिमान है या रडार है या टैंक है, क्या होगा इसका उत्तर। देखिए इंद्र जो है वो क्या है, वास्तव में एक राडार है, और राडार का मतलब ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में मान लो ये वायुमंडल है और इसमें कोई भी एक्टिविटी हो रही है
तो वो राडार की पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो राडार के पकड़ में आ जाती है। तो जैसे ये जो है इंद्र जो राडार है, ये अत्याधुनिक राडार है और इसके अंतर्गत इंद्र 2 का वर्जन भी आ चुका है। और ये क्या है, अपनी जो है एक विशेषता है, खास विशेषता है, इसके कारण ये प्रसिद्ध है। और इसकी विशेषता क्या है, काफी कम ऊंचाई पर भी कोई विमान अगर उड़ान भर रहा है तो 90 किलोमीटर दूर से पहले ही वो क्या कर देती है, आपको इन्फॉर्मेशन सूचित कर देती है। यानी कि यहाँ पे ये खासकर ये इंद्र 2 की विशेषता है, लेकिन इंद्र जो भी है वो रडार भी क्या है, कम ऊंचाई वाले विमानों को भी अपने सर्विलांस में ले आती है और पहचान लेती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले से ही भेज देती है। ठीक है, तो ये क्या है, वास्तव में क्या है, रडार है, सी इसका सही उत्तर है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है, किसे कहते हैं, भी लिख सकते हैं, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर यूआर राव, डॉक्टर एमजी के मेनन, डॉक्टर अब्दुल कलाम। देखिए ये भारत के रेनाउंड साइंटिस्ट में से एक है सभी। डॉक्टर राजा रमन्ना के बारे में याद रखिएगा, भारत में जो परमाणु बम का जो जनक है ना, परमाणु बम या एटम बम, परमाणु बम का जनक जो है इनको ही कहा जाता है, राजा रमन्ना को। और इनके बारे में खास बात है, जब पोखरण वन हुआ था तो पोखरण वन के समय में राजा रमन्ना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और उस समय क्या है, अब्दुल कलाम क्या है, वो इसरो और डीआरडीओ दोनों से ही क्या है, वो एसोसिएटेड थे। तो उस समय उनको ऑब्जर्वेशन के लिए बुलाया गया था, डॉक्टर कलाम को, और प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हालांकि पोखरण 2 में मानी जाती है कलाम की, लेकिन पोखरण 1 के समय भी 3 महत्वपूर्ण जो नाम थे, है ना, वो नाम जो है डॉक्टर अनिल काकोडकर, डॉक्टर चिदंबरम और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी भी भूमिका थी। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ प्रश्न अलग दिया है, भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के संदर्भ में दिया हुआ है, तो प्रश्न में जाएंगे, लेकिन ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि अब्दुल कलाम का जो है संबंध पोखरण 1 और पोखरण 2 दोनों से रहा था। ठीक है, और यहाँ पे जब पोखरण 2 की बात करेंगे तो वहां पे उनके बारे में बहुत सारी और दूसरी बातें भी आएंगी, क्योंकि उस समय में वो भारत में जो है वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी थे, और भारत में क्या है वो उस समय पोखरण 2 के समय भी अपनी भूमिका एक विशेष थी, जिसके कारण क्या है उनका राजनैतिक तकनीकी सभी प्रकार से इसमें उनका जो है योगदान था। ठीक है, डॉक्टर राजा रमन्ना, इसमें परमाणु बम का जनक अगर पूछा जाता तो ये लिख सकते हैं, डॉक्टर यू आर राव और डॉक्टर एम जी के मेनन, ये दोनों का संबंध वास्तव में ये स्पेस साइंटिस्ट है, इसरो से रहा है। ठीक है, तो भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के संबंध में जो स्वदेशी कार्यक्रम वो वही है IGMDP, जो मैं पिछले प्रश्न में बताया। IGMDP जो है बेसिकली ये वर्ष 1983 में प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व डॉक्टर कलाम कर रहे थे। अकॉर्डिंगली इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, डी है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई देश की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, निर्भय, प्रहार, पृथ्वी और नाग। देखो याद रखिए यहाँ पे सबसोनिक जो है लिखा हुआ है, सबसोनिक उसके बाद क्रूज मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल है। तो यहाँ पे हमने नाग के बारे में पढ़ा था, क्या है वो, तो एंटी टैंक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल, ये भी क्रूज मिसाइल है वास्तव में। और यहाँ पे देखते क्या है, प्रहार मिसाइल, वास्तव में पृथ्वी सीरीज का जो है ही अपडेटेड वर्जन जो है वो प्रहार है। निर्भय इसका क्या है, स्वदेशी तकनीक से विकसित की जाने वाली प्रथम सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक जिसकी स्पीड क्या है, क्या होती है, हम मैक से नापते हैं, और मैक से नापते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है आप देखते हैं 0 से लेके 1 के बीच में होती है, यानी कि 1 से नीचे रहती है, कह सकते हैं 1 मैक से कम। 1 मैक से कम यदि हो इसकी स्पीड तो उसे क्या कहते हैं हम, सबसोनिक क्रूज, सबसोनिक प्रकार की मिसाइल कहते हैं। ये बेसिकली इसकी स्पीड के लिए है। तो मैक को अगर पूछा जाए तो मैक को पूछा जाए तो क्या है, वायु में जो है मिसाइल की गति बटे आप लिख सकते हैं उस वायु में ध्वनि की गति, ये दोनों को गति या चाल आप लिख सकते हैं, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 1 मैक आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से ए इसका सही उत्तर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निर्मित धनुष क्या है, मिसाइल है, आर्टिलरी गन है, रॉकेट है, एंटी टैंक है।
देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में अगर आप देखते हैं तो कंफ्यूजन होना चाहिए आपको, क्योंकि धनुष धनुष मिसाइल भी आप पढ़ते हैं, धनुष मिसाइल भी पढ़ते हैं, और धनुष क्या है, आर्टिलरी गन भी है। तो इसका उत्तर क्या है, ए और बी दोनों होना चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न के हिसाब से देखिए, धनुष मिसाइल वास्तव में क्या है, पृथ्वी पृथ्वी मिसाइल थ्री का क्या है, नेवल वर्जन है। पृथ्वी मिसाइल थ्री का क्या है, आपका जो है नौसैनिक संस्करण है। पृथ्वी का क्या, पृथ्वी मिसाइल का क्या है, नौसैनिक संस्करण है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, धनुष मिसाइल कहते हैं। बट ये क्या है, आर्टिलरी गन है भी, ठीक है, याद रखिएगा। तो धनुष से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आएगा तो ये दोनों ऑप्शंस को आप ध्यान में रख के ही टिक करेंगे, ठीक है। धनुष पृथ्वी थ्री का नौसैनिक वर्जन भी है, इसका मतलब ये मिसाइल भी है और ये एक आर्टिलरी गन भी है, तो ए और बी दोनों इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल सतह से सतह मार सकती है, क्या है, नाग, सौर्य, ब्रह्मोस, उपरोक्त सभी। तो यहां पे देखिए ये क्या है, नाग भी क्या है, सतह से सतह वाला है ना, सरफेस टू सरफेस वाला है। सौर्य मिसाइल भी सरफेस टू सरफेस है और ब्रह्मोस मिसाइल भी सरफेस टू सरफेस है। तो इसके हिसाब से क्या है, उत्तर डी, उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। अब इन तीनों में बेसिकली अंतर क्या है, देखो यहाँ नाग मिसाइल क्या है, बेसिकली जो है 4-5 किलोमीटर तक आसपास वाले रेंज के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। सौर्य मिसाइल जो है करीब 600 किलोमीटर के रेंज के आसपास यूज किया जाता है, और ब्रह्मोस मिसाइल जो कि काफी हैवी होता है और काफी घातक है और अत्याधुनिक है, तो अभी इसका जो रेंज है 300 से 450 किलोमीटर के आसपास का रेंज होता है, ठीक है। बट ये सभी क्या है, सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस में मार करने वाली मिसाइल है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तेजस क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, रिमोट चालित विमान और सबसे तेज गति से उड़ने वाला वायुयान, क्या है इसका सही उत्तर। भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान का नाम है तेजस, ठीक है। हल्का लड़ाकू विमान भी इसे अक्सर एग्जाम में जो पूछा गया वही शब्दावली में प्रयोग कर रहा हूँ, हल्का लड़ाकू विमान भी इसे लिखा जाता है। तो भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान क्या है, तेजस, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के प्रथम स्वप्न दृष्टा कहे जाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो साइंटिस्ट है यहाँ पे देखिए, विक्रम साराभाई कौन है, विक्रम साराभाई तो बहुत फेमस वैज्ञानिक है जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, और अंतरिक्ष वैज्ञानिक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इन्हीं के नाम पे समर्पित जो है संस्थान है इसरो का। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये इसका सही उत्तर है, जो किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का जो है फोरकास्ट यानी कि कल्पना उन्होंने उस दौरान ही कर ली थी जब भारत आजाद नहीं हुआ था। तो 1945 के समय में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने सर दुराबजी टाटा की मदद से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना भी की थी। और इसके बाद भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी प्रकार के प्रोजेक्ट हैं उनकी नींव जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही रखी थी। सत्येंद्रनाथ बोस, ये भी महान साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या खोज किया था, बोसान कणों की खोज, बोसान कणों की खोज की थी। और यहां पे बोसान वर्ड जो आ रहा है इन्हीं को समर्पित किया गया हुआ शब्द है, बोस शब्द बोसान कणों, जैसे आप देखते हैं जो किसी भी एटम्स के अंदर या परमाणु के अंदर जो है छोटे छोटे जो अलग अलग कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली क्या है, बोसान भी कण होता है। याद रखिएगा कि सत्येंद्रनाथ बोस भारत के ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आइंस्टीन के साथ काम किया, अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ, और जो इसमें इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण यहाँ पे उन्होंने एक संकल्पना डेवलप की थी अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ, वो क्या, कौन सा है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, इन्होंने इसी को जो है डेवलप किया था, तो इनका संबंध उससे नहीं है। मेघनाथ साहा भारत के महान खगोलविद हैं और थर्मल आयोनाइजेशन सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी है, होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद देखिए भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी आप इसे कह सकते हैं, कहाँ स्थित है, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई के पास ट्रॉम्बे, तो इसका उत्तर क्या होगा, मुंबई ही होगा।
तो ट्रॉम्बे इसका जो है संस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा जो अभी मैंने बताया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है, जब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम वहां पर रिसर्च करना प्रारंभ करते हैं, तो उसके बाद बाद में AEET आता है। ठीक है, AEET आता है, जो भी क्या है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड था, और बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन परमाणु संयंत्र, यानी कौन सा परमाणु संयंत्र कनाडा के डिजाइन पर आधारित नहीं है, पूछा है नहीं पूछा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, कैगा परमाणु संयंत्र, काकरापार परमाणु संयंत्र, कल्पक्कम परमाणु संयंत्र या तारापुर परमाणु संयंत्र, क्या होगा इसका सही उत्तर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए याद रखिएगा, एक सिंगल लाइन में इसका उत्तर है, तारापुर परमाणु संयंत्र को छोड़कर बाकी दिया गया सभी क्या है, किस पे आधारित है? कनाडा के डिजाइन पर आधारित है। ठीक है, तो तारापुर किस मॉडल पे बेस्ड था? देखिए यहाँ पे इसमें सहयोगी जो देश था कौन था तारापुर के समय में, वो था USA। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक, अब यहां पे देखिए इसमें सहयोगी राष्ट्र USA है, तो USA मॉडल ही होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं वर्ष 1973 में हम क्या देखते हैं, रावत भाटा वो कहां पे है? राजस्थान पे है। तो इसमें जो कनाडा मॉडल पर बेस्ड पहला हम ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करते हैं। तो यहां पे इससे रिलेटेड देखिए, जो 1973 में स्थापित किया गया कनाडा मॉडल पे पहला ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर था, किंतु इन जनरली देखा जाए तो तारापुर परमाणु संयंत्र सबसे पहले स्थापित हुआ था वर्ष 1969 में, 1969 में। अब देखिए इसका भी देख लीजिए, कैगा कहां पे बेसिकली, कैगा कर्नाटक में है। क वाले वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं। और इसकी स्थापना यदि पूछा जाए तो वर्ष 2000 में हुई थी। सिमिलरली काकरापार है ना, काकरापार जो है वो कहाँ पे है? गुजरात पे है, और गुजरात में है, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में। कल्पक्कम परमाणु संयंत्र जो है कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से कौन डिजाइन कनाडा में मॉडल पे बेस नहीं है पूछा जाए, तो इसका उत्तर क्या है? डी इसका सही उत्तर है। क्लियर हो गया, चलते हैं अगले प्रश्न में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, 11 मई 1998 को राजस्थान की पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसे नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में स्माइलिंग बुद्धा, शक्ति 19, ऑपरेशन टेकुला, ऑपरोक में से कोई नहीं, ये दिया गया है। याद रखिएगा स्माइलिंग बुद्धा का संबंध पोखरण वन से है। ठीक है, पोखरण वन से है, और यह वर्ष था वर्ष 1974। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा, और यहां पे पोखरण वन के बाद हम पोखरण टू करते हैं वर्ष 1998 में, और इसे हम क्या कहते हैं, पोखरण टू। और कौन से वर्ष में हुआ था? 1998 में। ठीक है, तो यहां से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखिए, स्माइलिंग बुद्धा जो है उस मिशन का नाम दिया गया था, लेकिन शक्ति 98 जो है पोखरण टू के समय मिशन का नाम दिया गया था। और इस समय हमने क्या है, 5 महत्वपूर्ण टेस्ट किए थे। इस समय हम यूरेनियम और हाइड्रोजन के जो इसके जो समस्थानिक है, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम वगैरह का प्रयोग किए थे, जबकि पोखरण वन के समय में हम प्लूटोनियम का प्रयोग किए थे। तो यहाँ उस समय क्या यूज किए थे, प्लूटोनियम का प्रयोग किए थे, समझ गए? और एक पॉइंट याद रखिएगा, वर्ष 1974 में हुआ पोखरण जो वन जो मिशन था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और पोखरण टू के समय में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ठीक है, याद रखिएगा। ऑपरेशन ड्रैकुला भी एक मिशन चला था, इसके बारे में अब यहां चर्चा नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं विकिपीडिया में, गूगल में भी इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके हिसाब से क्या है, दूसरा परमाणु परीक्षण दिया, उसका नाम क्या है, सही उत्तर क्या है, शक्ति 98, क्योंकि वर्ष 1998 में हुआ था। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, नाभिकीय विखंडन हेतु उपयुक्त ईंधन है, यूरेनियम, थोरियम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत सरल प्रश्न है, रेडियो एक्टिव तत्व है, तो ए और बी, यूरेनियम को भी प्रयोग करते हैं, थोरियम को भी प्रयोग करते हैं, प्लूटोनियम को भी प्रयोग करते हैं, ये सब क्या है, आपके रेडियो एक्टिव तत्व है। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों है इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
इसके बाद चलते अगले प्रश्न में, जिसमें ये देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम की रॉड या कैडमियम की छड़, भारी जल, केवल जल, किसी का नहीं। याद रखिएगा, जब भी क्या है नाभिकीय रिएक्टर होता है तो उसमें क्या कौन सी अभिक्रिया चलती है, उसमें आप देखते हैं श्रृंखला अभिक्रिया चलती है। तो जब एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। हम किसकी बमबारी करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो तीन और न्यूट्रॉन निकलते हैं, और ये जो है तीन न्यूट्रॉन निकले तो ये फिर से घूम के क्या करते हैं, फिर इसको अटैक करते हैं, और इस प्रकार क्या है हर चरण में, प्रत्येक चरण में क्या है तीन तीन न्यूट्रॉन निकलने लगते हैं, और इस प्रकार देखते हैं अनवरत चलने लगती है यह श्रृंखला अभिक्रिया। तो ये क्या है, इसमें एक समय ऐसा आता है जब आपको इसकी स्पीड को क्या करना होता है, स्लो करना होता है। तो प्रत्येक चरण में जो तीन तीन न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, इन तीन न्यूट्रॉनों को यदि आप क्या करते हैं यहां पे अटैक कर रहे हैं तो इनकी स्पीड को हम क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, तो वो मंदक के रूप में उसे प्रयोग किया जाता है। क्या है उसका उत्तर, कैडमियम की छड़, भारी जल, केवल जल, किसी का नहीं। तो याद रखिएगा, मंदक के रूप में हम भारी जल जिसे हम D2O कहते हैं इसे प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं बेरिलियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट की छड़, इसे भी हम यहां प्रयुक्त करते हैं मंदक के रूप में। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी इसका सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोलर। ठीक है, यहां पे देखिए क्या क्या है, कैडमियम की छड़, भारी जल, केवल जल और किसी का नहीं। तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से देखिए हमने अभी भारी जल, बेरिलियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट की छड़ को हम किसके रूप में जाने, मंदक के रूप में। लेकिन मंदक का के बाद यहाँ पे नियंत्रक वर्ड आ रहा है, नियंत्रक का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है, मैंने जो बताया जो तीन न्यूट्रॉन निकला था इसमें क्या है, इनकी स्पीड को स्लो किए तो मंदक था, लेकिन यहाँ पे यदि ये न्यूट्रॉन को हम अवशोषित करेंगे है ना, तो उस समय क्या है ये नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होगा। तो नियंत्रक के रूप में हम कैडमियम की रॉड को प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, यानी कि न्यूट्रॉन को हम अवशोषित कर देते हैं तो वो क्या है श्रृंखला अभिक्रिया में आगे नहीं जा पाती, इस प्रकार उसका अवशोषण हो जाता है, और ये क्या है नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है, कैडमियम की छड़। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्टर भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर है, अप्सरा, साइरस, ध्रुव, कामिनी। तो देखिए अप्सरा जो है भारत का पहला जो है अनुसंधान रिएक्टर है, जो डॉक्टर भाभा ने है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की मदद से क्या है वर्ष 1956 में इसे निर्मित किया था। तो इसका सही उत्तर क्या है, अप्सरा, अप्सरा इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा ये एक अनुसंधान रिएक्टर है, ठीक है, वर्ष 1956 में डॉक्टर भाभा के सहयोग से बना था। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम बेसिकली क्या है फ्यूजन या नाभिकीय संलयन पर आधारित है ना, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जैसे कि आप देखते हैं सूर्य, सूर्य में भी क्या है, सूर्य के नाभिक में भी क्या है, नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा जो है इतनी भारी मात्रा में निकलती है। तो इसमें क्या है, क्या ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी नाभिकीय संलयन, ठीक है। और इसमें भी क्या है, नाभिकीय संलयन में क्या है नाभिकीय विखंडन की तुलना में ज्यादा ऊर्जा निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी निकलेगी है ना, रादर देन न्यूक्लियर फीजन। क्लियर हो गया, चलते हैं अगले प्रश्न में, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न बना सकते हैं पिछले डिस्कशन के आधार पर। कैगा परमाणु संयंत्र कहां पे, कर्नाटक में है, बिल्कुल सही मैच्ड है, सुमेलित नहीं है पूछा है। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में, ये भी बिल्कुल सही मैच्ड है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे, कल्पक्कम गुजरात पे है क्या, नहीं, यह अभी क्या है तमिलनाडु पे है, ठीक है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसके हिसाब से उत्तर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। और जैसे कि मैं पिछले प्रश्न में बता भी चुका हूं कि इसमें क्या है इनका जो स्थापना वर्ष है, स्थापना वर्ष भी आप याद रखें, क्योंकि कई बार सीक्वेंस में पूछा भी जा सकता है पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया। तो कैगा जो परमाणु संयंत्र मैंने बताया था वर्ष 2000 में आया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कूडनकुलम परमाणु संयंत्र क्या, वर्ष 2013 में स्थापित हुआ है। कल्पक्कम जो है यह 1984 में क्या है स्थापित हुआ है, और नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है वर्ष 1991 में इसकी स्थापना हुई थी,
ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पे इसके हिसाब से सही उत्तर क्या होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, सी इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार आज अपनी फास्टैग रिवीजन में टेक्नोलॉजी का आपने दूसरा सेशन देखा। दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉम्पिटिशन कमिटी में भी रिलीज किए जा रहे लगातार जो फास्टैग रिवीजन की सीरीज है जो सब्जेक्ट वाइज आ रही है आप सभी की सुविधा के लिए, और इस प्रश्न की उपयोगिता इस बात से आप समझ सकते हैं कि आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो उसके प्रैक्टिस सेशन में जाएं, इसके बजाय आप फास्टैग रिवीजन को अटेंड करें। तो उसमें क्या है, आपका एक फास्टैग रिवीजन मतलब एक रिवीजन हो जाएगा फास्ट तरीके से, दूसरा एडिशनली आप पहले से प्रैक्टिस यदि कर चुके हैं तो वो फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होता है, हालांकि सभी प्रश्न समाहित करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छे कलेक्शन दे सके जिससे कि आपको ज्यादा हेल्प हो सके। तो इस प्रकार आपने टेक्नोलॉजी का FTR का दूसरा सेशन आपने देखा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।